ये मैथ की जादुई दुनिया, एक ऐसी जादुई दुनिया, ये माया का जाल है। हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी बहुत अच्छा चल रहा होगा। और आपके स्टडी को और अच्छा बनाने के लिए हम आपके साथ बहुत सारे लेक्चर क्लासेस, लाइव क्लासेस, वीडियोज और टेलीग्राम के फ्री पब्लिक ग्रुप लेकर आते हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो यदि अभी तक नहीं किया है तो, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। आज हम लोग बात करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन, ये मैथ की जादुई दुनिया, एक ऐसी जादुई दुनिया, ये माया का जाल है। मैथ में माया का जाल देखा होगा आपने, भूल भुलैया होता है, माया का जाल होता है, जहां पर हर जगह पर आपको भ्रमित करने के लिए कुछ ऐसे ऐसे स्टेप होते हैं, एक्टिविटी होती है, कुछ ऐसे चीजें होती है जो आपको मिसगाइड करती है। वैसे मैथ के अंदर ये रिलेशन एंड फंक्शन, जिनको सुनते ही स्टूडेंट्स के माइंड में कहीं ना कहीं वो एक खौफ पैदा होता है। जिनको आता है उनको तो बहुत अच्छा, लेकिन जिनको नहीं आता उनको लगता है यार रिलेशन एंड फंक्शन, देखा जाए तो केवल दो वर्ड से मिलकर बना है, रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन मतलब वही रिलेशन जो हमारे रिश्तेदार परिवार होते हैं। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि जो रिलेशन अगर हम अच्छा रखेंगे तो उनके आप फंक्शन होंगे तो हमें इन्वाइट करेंगे। हाँ बिल्कुल, आपको इन्वाइट करेंगे, आप ऐसा ही समझ सकते हैं। तो आज हम इस पूरे वीडियो में जो है कैसे इसको और आसानी से समझ सकते हैं और कैसे इसको प्रैक्टिकल लाइफ से, जैसा कि मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आपको हमेशा याद रख सके, उन एग्जांपल्स को सेटअप करता हूं। अभी हम इसको सीखेंगे और यहां से हम लोग आगे की जर्नी को स्टार्ट करेंगे। अभी हम बेसिक क्लास ले रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन का। उसके बाद जो है, देखिए एक पार्ट वन बुक है, एक पार्ट टू बुक है। तो पार्ट वन बुक में भी रिलेशन एंड फंक्शन पार्ट है वन है, और रिलेशन एंड फंक्शन टू भी है पार्ट टू वाले बुक में। जनरली जो आपसे पूछा जाता है वो पार्ट टू वाला पूछा जाता है, लेकिन पार्ट टू वाला आपको तब समझ में आएगा जब पार्ट वन वाला आपको आएगा, राइट? तो चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस वर्ड पे आते हैं। हमारा वर्ड क्या है? रिलेशन। रिलेशन का मतलब संबंध होता है। देखिए अगर हिंदी में मैं लिखूं तो रिलेशन का मतलब होता है संबंध, और फंक्शन को तो फलन कहते हैं। चलिए फलन तो बहुत लोग आप लोग नहीं समझेंगे, लेकिन इसको रिलेशन को समझिए कि अगर हम इस रिलेशन वर्ड को देखते हैं तो रिलेशन का मतलब कहीं ना कहीं कि जब दो लोगों के बीच में या दो चीजों के बीच में कहीं ना कहीं कोई सिस्टम सेट होता है, उसी को हम लोग रिलेशन कहते हैं। और फंक्शन तो खैर आप जानते ही हैं, फंक्शन का मैंने पूरा डेफिनेशन एक्सप्लेन किया है, ये आपको वीडियो अवेलेबल मिल जाएगा, ये चैप्टर 25 अवेलेबल है वीडियो, लिमिटेड कंटिन्यूटी का, उसमें फंक्शन डिटेल में मैंने समझाया है। तो चलिए फंक्शन और रिलेशन, फंक्शन यहां पर सिंपली मैं यही आपको बता दूं कि भाई रिलेशन जो है, हम लोग सबसे पहले बात करेंगे सेट के बीच में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि भाई सेट होता क्या है। सेट देखिए, सेट जो है 11th क्लास में पढ़ना होता है, यानी देखा जाए आपके सिलेबस के हिसाब से तो पार्ट वन में सेट के बारे में पढ़ना है। सेट क्या होता है? एलिमेंट्स होते हैं सेट के अंदर, जैसे आप कुछ भी सेट लिख सकते हैं। अगर सेट के बीच में देखिए अरेंज रूप में होता है, जैसे इस तरीके का, ध्यान से देखिए, जैसे मैंने ले लिया ए, ले लिया बी, ले लिया सी, ले लिया डी, ले लिया, ये क्या एक सेट हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर इसको एलिमेंट्स हम लोग बोलते हैं। बेसिक बेसिक चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, कोई इस तरह की चीजें नहीं है भाई जो आपको डराए या आपको कंफ्यूज करे, आपको परेशान करे, ठीक है? तो जब हम लोग सेट पे आते हैं ना, तो कई तरह के सेट हो सकता है। लेट बी सपोज मान लेते हैं कि ये सेट ए है हमारा, ऐसे ही हमारा सेट बी भी हो सकता है। लेट बी सपोज सेट बी में है डी है, ई है, एफ है, फिर ए है, फिर बी है, तो इस तरीके से सेट बी भी हमारा हो सकता है। तो इस तरह से दो सेट हमारा क्रिएट हो गया, एक सेट वन और एक सेट बी। तो इस सेट ए सेट बी के बीच में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मेरी बात ध्यान समझिएगा, यहाँ कुछ चीजें है कार्टिजन प्रोडक्ट हम लोग निकालते हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे जो है सेट को कितने रूपों में हम लोग कितने रूपों में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी चीजें हम देखेंगे। थोड़ा सा बने रहेंगे तो बाकी सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा, बाकी सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, इसलिए घबराने वाली कोई बात आपको यहाँ पर नहीं है। लेकिन सबसे पहली जो चीज आपको देखनी है वो कार्टिजन प्रोडक्ट के बारे में देखना है। तो चलिए मैं आपको एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर हम लोग सेट का, और उसके बाद जो है इसको हम लोग बड़े बेहतर तरीके से समझते हैं। तो एग्जांपल जो है सेट में कुछ इस तरीके से लिया जाए जिससे कि हमारा कुछ काम हो जाए। जैसे देखिए लेट बी सपोज यहाँ पर सेट ए है, सेट बी है, तो मैं एक काम करता हूं कि सेट ए में और सेट बी में कुछ चीजें लेता हूं मैं। जैसे लेट बी सपोज की सेट ए में जो मैं ले रहा हूं
वो मैं लेता हूं ऐसे ताजमहल, टी ले लेता हूं ताजमहल के लिए। और चलिए ताजमहल के बाद मैं रेड फोर्ट ले लेता हूं, मतलब लाल किला जो होता है, लाल किला दिल्ली में है। और उसके बाद जो है ताजमहल हो गया, रेड फोर्ट हो गया, और मैं क्या ले लूं यहाँ पर, एक आध और ले लूं जिससे कि आप चीजें हो जाए कोई बढ़िया सा फेमस। जैसे कि आप सोचिए, बहुत इंडिया में तो बहुत सारी फेमस ही फेमस चीजें है। क्या लिया जाए, ताजमहल हो गया, रेड फोर्ट हो गया, एक आध कुछ और चीजें आ जाए दिमाग में जिससे कि यहाँ पर सेट किया जाए, जो डिफरेंट स्टेट में हो तो दैट मीन बेटर, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो यूपी का भी हो गया, दिल्ली का हो गया। चलिए एक काम करते हैं, एन ले लेते हैं हम लोग, है ना, बिहार का, नालंदा यूनिवर्सिटी ले लेते हैं यहाँ पर, बिहार का ले लेते हैं यहाँ पर। तो टी फोर ताजमहल, आर फोर हम लोग ने रेड फोर्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, और एन से नालंदा यूनिवर्सिटी ले लेते हैं जो कि बिहार का बहुत ही गौरव रहा, उसको जला दिया गया। 20 वाले सेट में जो है हम लोग स्टेट का नाम लिखते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर टी जो है टी फोर ताजमहल है। यहाँ पर देखिए बहुत इजी वे में समझा रहा हूँ, समझना इसको। आर को हम लोग रेड फोर्ट ले रहा हूं मैं, और एन को मैं नालंदा यूनिवर्सिटी ले रहा हूं, नालंदा यूनिवर्सिटी ले रहा हूं यहाँ पर, राइट। तो देखिए यहां पर ये मैंने तीन तरह से इस तरह से ले लिया। अब बी वाले में जो है हम इसका एक और सिस्टम ले लेते हैं, पर अपने मन से ऐसे ही आपके सामने ले रहा हूं मैं, कोई रटा रटाया नहीं है। तो यहां पर अगर मैं ले लूं, लेट मी सपोज दिल्ली, डी से डी लिख देता हूं, चलिए पहले आगरा लिख देता हूं मैं, आगरा लिख दी, आगरा हो गया, आगरा, यूपी लिख देता हूं मैं, यू लिख देता हूं, यूपी, दिल्ली, और ये बिहार, इस तरह से मैंने ले दिया। यहां पर मैं दे देता हूं यू जो हो गया आपका, कैपिटल यू जो हो गया वो उत्तर प्रदेश हो गया, यूपी को डिनोट कर रहा है, डी जो हो गया वो दिल्ली को डिनोट कर रहा है, और बी जो हो गया आपका बिहार को डिनोट कर रहा है, राइट। देखिए इतनी चीजें मैंने लिख दिया यहाँ पर, सेट ए और सेट बी लिख दिया। तो हम अभी सीखते हैं कि कार्टेशियन प्लेन कैसे निकाला जाता है, फिर में हम रिलेशन पर भी आ जाएंगे। घबराना बिल्कुल नहीं, डरना बिल्कुल नहीं, बहुत बेसिक पे लेके जाएंगे, एक एक टर्म को आपको सिखाएंगे, राइट। अभी आप लाइव क्लास अगर आप ज्वाइन करेंगे, जिन लोगों ने नहीं ज्वाइन किया वहां मजा आ जाएगा, पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां पर जो है देखिए, अगर हम लोग कार्टेशियन प्लेन की बात करते हैं, तो कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या, आप ये समझिए यहाँ पर, जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करते हैं, सो व्हाट यू मीन बाय कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो जैसे कि बचपन में आपने मल्टीप्लाई करते होंगे ना कुछ इस तरीके से, ए ए प्लस बी, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, ए प्लस बी, और लेट बी सपोज यहाँ पर बाहर में एक्स लगा हुआ है, तो ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो वैसे ही प्रोडक्ट मतलब वही सिस्टम है यहाँ पर। तो अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालूं ए और बी का, निकालूं किसका निकाल रहा हूं मैं, ए और बी का निकाल रहा हूं। तो अगर मैं ए और बी का निकाल रहा हूं, तो यहां पर देखिए एक एक करके चलेंगे, एक एक करके चलेंगे, देखिए ऐसे चलेगा, उसके बाद देखिए पहले टी का यू के साथ, तो ये बन जाएगा टी और यू, फिर टी का डी के साथ, तो ये बन जाएगा टी और डी, फिर देखिए टी का बी के साथ, तो टी और बी, राइट। उसके बाद जो है आर का यू के साथ, आर का यू के साथ, उसके बाद आर का डी के साथ, आर का डी के साथ, उसको मिटा देता हूं मैं साइड वाले को, इसको मिटा दिया जाए, है जी, और आर का बी के साथ, ठीक। उसके बाद जो है बच गया एन का यू के साथ, और एन का डी के साथ, और एन का बी के साथ, ठीक। तो इतने सारे जो है इस तरह से हमने इस तरह से ए और बी का एक प्रोडक्ट ले लिया, ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लिया। तो ये जो पूरा आपने निकाला, ये पूरा का पूरा सिस्टम निकाल दिया, क्या निकाल दिया, पूरा का पूरा सिस्टम निकाल दिया। चलिए ठीक बात है जी, पूरा पूरा सिस्टम निकाल दिया आपने, बहुत ही बढ़िया, यहां पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मेरी बात ध्यान से आप समझिए, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, मैंने आपको कहा, मेरी बात ध्यान समझिएगा, मैंने आपको कहा कि मुझे ना ये जो चीजें दी गई है, एक रिलेशन मैं आपको दे रहा हूं, एक रिलेशन आपको दे रहा हूं मैं, क्या दे रहा हूं, एक रिलेशन दे रहा हूं मैं आपको। तो रिलेशन में आपको ये दे रहा हूं बच्चों, कि मैं आपसे बोल रहा हूं कि जो जहां है उसके स्टेट से मिलाओ, जैसे कि ताजमहल है ना, तो वो यूपी से मैच करेगा, रेड फोर्ट है वो दिल्ली से मैच करेगा, दिल्ली से, और नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वो बिहार से मैच करेगा। तो यहां पर पार्टिकुलरली जो है हमने क्या किया, एक रिलेशन पे आ रहे हैं हम लोग, नॉर्मल से रिलेशन की बात करते हैं यहां पर, हम लोग रिलेशन पे आते हैं।
तो चलिए यहां पर मैं एक रिलेशन लिखता हूं। क्या लिखता हूं यहां पर? रिलेशन लिखता हूं, आप लोग कंफ्यूजन ना हो। आर होता है रिलेशन, में आर वन कर देता हूं आपके लिए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। और यहां पर जो है मैं कुछ चीजें लिख रहा हूं उसको समझिएगा, क्योंकि रिलेशन को हमें लिखना पड़ेगा, रिलेशन को हमें लिखना पड़ेगा। तो रिलेशन को लिखेंगे तो यहां पर मैं लिख देता हूं, यहां पर देखिए कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। यहां लिख रहे हैं एक्स बाई, क्या लिख रहे हैं? एक्स बाई सच डैट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सच डैट एक्स बिलोंग कर रहा है ए से एंड बाई बिलोंग कर रहा है बी से। अब ए और बी कहां से आ गया मैं आपको भी बताता हूं, ए और बी से बिलोंग कर रहा है। और नेक्स्ट अगर मैं एक स्टेटमेंट के तौर पे यहां पर लिख दूं, यहां पर एक स्टेटमेंट के तौर पर लिख दूं, तो ये एक्स में हम लोग क्या ले रहे हैं यहां पर जो ए से बिलोंग कर रहा है? तो ए वाले में जो बिलोंग कर रहा है टी आर एन, यानी कि मॉन्यूमेंट्स, मॉन्यूमेंट्स, मॉन्यूमेंट्स हो गया, मॉन्यूमेंट्स हो रहा है यहां पर आप बोल सकते हैं। और साथ में ये सारे क्या है, ये सारे स्टेट से डिनोट कर रहे हैं यहां पर। तो हम लिख सकते हैं मॉन्यूमेंट एक्स लाइज इन स्टेट बाई, हम क्या लिख सकते हैं? मॉन्यूमेंट एक्स लाइज इन स्टेट बाई, ये हमने लिख दिया यहां पर, ठीक है। ये एक रिलेशन मैंने आपको दिया, क्या दे दिया मैंने आपको? एक रिलेशन दे दिया, डरना नहीं, बिल्कुल डरना नहीं। रिलेशन आर वन दे रहा है कि भैया एक्स बाई है, एक्स ए के एक्स का जो एलिमेंट है वो ए से डिनोट करेगा और बी का किससे करेगा? बी से करेगा यहां पर। और ये जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो उनके पर्टिकुलर स्टेट से आप मिला दीजिए, जो जहां पर उसको मिला दीजिए। तो यहां पर जो आपका रिलेशन सेटअप होगा वो कुछ कैसा रिलेशन सेटअप होगा आप अच्छे से जानते हैं यहां पर। तो जो रिलेशन सेटअप होगा वो केवल इतना ही आएगा, कितना आएगा देखिए, टी का यू से मिलेगा, टी का यू से मिलेगा, आर का डी से मिलेगा, ठीक, और यहां पर एन का किससे मिलेगा? बी से मिलेगा। यहां पर बस इतना ही मिलेगा, इतना ही मिलेगा कि ये जो टी है आपका, टी मीन्स व्हाट? ताजमहल है वो उत्तर प्रदेश यूपी से है, रेड फोर्ट जो है दिल्ली से है, और नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार यानी बी से यहां पर है। तो इसको हमने इस तरह से लिख दिया, ठीक। अब इसी चीज को हम लोग कई रूपों में दिखा सकते हैं, जैसे ये जो मैं लिख रहा हूं इसको हम लोग बोलते हैं किस फॉर्म में बोलते हैं? तो ऊपर जो लाइन लिखा हुआ है आपका, ये वाला जो लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं सेट विल्डर फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? सेट विल्डर फॉर्म कहते हैं। और जो नीचे मैंने लिखा है ये वाला, दैट मीन ये जो मैंने लिखा है, इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म कहते हैं। मैं यहां पर लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे तरीके से। ये जो मैंने लिखा है ये वाला, ठीक है, ये जो ये यहां पर मैं दे दूं, कैसे कहां दे दूं, मैं यहीं पर लिख देता हूं। ये जो मैंने लिखा है इसको हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। क्या बोलते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। जब आप एक स्टेटमेंट की तरह लिखते हैं जिसमें आप सारी चीजें मतलब डिस्क्राइब करते हैं, जिसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं, जहां पर डिटेल में इस तरह से लिखा होता है। और एक होता है जो क्या होता है, रोस्ट करते हैं, रोस्ट रोस्टर फॉर्म हो गया। ये जो फॉर्मेट है आपका ये वाला, ये आपका रोस्टर फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? रोस्टर फॉर्म हो गया बताने का आपका। अब जो आपको रिलेशन फंक्शन में दिखाई देता है वो दूसरा तरीका का दिखाई देता है, तो उस तरीके को हम लोग एरो फॉर्म, एरो डायग्राम कहते हैं। इसका हम बनाएंगे एरो डायग्राम। बट एरो डायग्राम में आने से पहले थोड़ा ठहरिए, थोड़ा रुकिए तो सही है, उस पर भी आ जाएंगे हम लोग, पर यहां पर आ तो जाए पहले। एक बात तो समझ में आ गई कि अगर हम कार्टिजन प्रोडक्ट को ध्यान से देखें तो कार्टिजन प्रोडक्ट में कितना है? एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, टोटल जो है नौ, इसके बीच में नौ एलिमेंट्स आप बोल सकते हैं। लेकिन जब आपने एक रिलेशन सेटअप किया, अगर सेट बिल्डर फॉर्म में देखें कि भाई जो मॉन्यूमेंट उनके सिटी बाई से आप मिलाइए, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया, तो उसका जो रोस्टर फॉर्म का है जो आया उसमें से केवल तीन आया। कितना आया? ओनली थ्री आया। So भाई साहब यहां पर आपको समझना ये है कि ये जो R1 ले रहे हैं, मतलब ये वाला जो ले रहे हैं, ये वाला, ये तीनों को कप लीजिए, ये वाला, ये कहीं ना कहीं क्या है? एक पार्ट है। किसका पार्ट है? तो इसका पार्ट है, इसका, इसका क्या है? एक पार्ट है। ये देखिए दोनों एक साथ दिख रहा होगा आपको, एक पार्ट है उन्हीं में से। कहां कहां है? तो देखिए ये वाला आ गया, ठीक है, ये वाला आ गया, टी यू आ गया, फिर देखिए आर डी आ गया यहां पर, और एक एन बी आ गया, ये वाला आ गया। देखिए ये केवल तीन यहां पर आ गया, मतलब बाकी चीजें हमें जरूरत नहीं है, उनमें से केवल तीन ही का हमने सेटअप तैयार किया, तीन ही चाहिए यहां पर। तो इस तरीके से
ये रिलेशन को अगर आप डिफाइन करेंगे तो रिलेशन देखिए क्या है, तो जो कार्टिजन प्रोडक्ट होता है उसी का एक सबसेट होता है। मेरी बात से आप सहमत हैं नहीं सहमत हैं बताइए, आप मुझे बताइए ना कि ए और बी का कार्टिजन प्रोडक्ट में जितने भी आपको यहां पर दिखा उन्हीं में से तो ये तीनों निकला है, तो इसको हम बोलते हैं सबसेट, सेट का एक पार्ट है, दैट इज कॉल्ड सबसेट। तो जब हम रिलेशन का लिखेंगे तो रिलेशन लिखेंगे रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, अगर आप यहां लिखेंगे डेफिनेशन रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, अगर ए से बी में रिलेशन है तो दिख रहा है ये, हाँ जी दिख रहा है, सबसे लास्ट लाइन है। तो अगर ए से बी में लिखते हैं ये क्या है, सबसेट है, इसका है सबसेट ऑफ कार्टिजन प्रोडक्ट इज अ सबसेट ऑफ कार्टिजन प्रोडक्ट ए और बी का। ये लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर ये लाइन आपको समझ में आती है तो पूरा रिलेशन आपको समझ में आएगा। और मैं बिल्कुल बेसिक से आपको बता रहा हूं, एकदम डीप में लेके जा रहा हूं, एकदम जीरो लेवल से बता रहा हूं, जिसको नहीं भी समझ में आएगा। अभी एक लास्ट बच रहा है एरो डायग्राम, वो एरो डायग्राम अभी हम देखने वाले हैं, डरना नहीं इसमें। तो यहां पर जो रिलेशन फ्रॉम ए टू बी है ना, ये सबसेट है, किसका सबसेट है, कार्टिजन प्रोडक्ट का। इसके पास 100 एलिमेंट्स है, उन्हीं 100 में से 2, 3, 10, 5 ये होगा। और मैं आपको पहले बता देता हूं कि अगर आप एक रिलेशन लेते हैं, मान लीजिए मेरा रिलेशन कुछ ऐसा होता, कुछ ऐसा रिलेशन मेरा होता कि ये सारे के सारे जो है इस रिलेशन में आ जाते, 9 के 9 आ जाते, इसको हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन के नाम से जानते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा आगे। या हमारा रिलेशन ऐसा होता जिसमें कुछ अलग चीज यहां दिया जाता जो इसमें मैच ही नहीं करता और 9 में से कोई भी एक नहीं आ पाता, तो उसको हम लोग नल यानी फाई से डिनोट करने वाले, हम लोग उसको नल रिलेशन के नाम से जानते हैं। सारे रिलेशन हम लोग पढ़ेंगे, घबराना डरना बिल्कुल भी नहीं है। तो इसी चीज को, मुझे उम्मीद है कि आप यहां तक समझ गए होंगे, इसी चीज को अगर मैं एरो डायग्राम में समझाने की कोशिश करूं, एरो डायग्राम में क्लियर करूं, तो बड़े इजी वे में आपको बताता हूं और बहुत सारी चीजें हम लोग यहां पर जानेंगे समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है यहां पर मैं कुछ चीजें मिटा दिया जाए, ठीक है, जिससे कि मुझे थोड़ा स्पेस मिल जाए लिखने का। तो यहां पर कुछ चीजें ऐसे, इन चीजों को मिटा देता हूं। आई होप आप इस सिंबल्स को अच्छे से दिमाग में सेट हो गया होगा, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए मैं आपको बताता हूं यहां पर कि कैसे हम लोग एरो डायग्राम का होगा। कौन सा डायग्राम? एरो डायग्राम। मैं लिख दूं क्या? चलिए यहां लिख देता हूं एरो डायग्राम, यहां पर लिखता हूं एरो डायग्राम। तो मैं बनाने वाला हूं किसका? एरो डायग्राम बनाने वाला हूं, बिंदास तरीके से हम इसका एरो डायग्राम, मतलब सेट बिल्डर फॉर्म भी हो गया, रोस्टर फॉर्म भी हो गया, अब बनाने जा रहे हैं किसका? एरो डायग्राम बनाने जा रहे हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो यहां पर जो है इस तरीके से देखिए, ये इस तरीके से बनाएंगे हम लोग, ये ए वाला हो गया और यहां जो हम बना लेते हैं यहां पर ये बी वाला हो गया। तो ए वाले में हमारे पास क्या क्या है? टी है, आर है, एन है। और बी वाले में क्या है? यू है, एन है और क्या है? बी है, राइट। तो देखिए यहां पर जो है अभी हम बात करेंगे डोमेन रेंज सब बात करेंगे, आप इसकी चिंता बिल्कुल मत करो, पहले आप समझने पर तो ध्यान दो यहां पर कि मैं क्या बता रहा हूं अभी आपको। तो बात ऐसी है यहां पे कि अगर आप इसके रिलेशन को सेट करेंगे तो टी किससे जा रहा है? तो यू से, आर, एन से, गड़बड़ हो गया, यू डी बी है ना, यू डी बी है ना, ये डी है। और एन किससे? बी से। बताइए ये कर रहे हैं ना आप, तो भाई ताजमहल उत्तर प्रदेश से, रेड फोर्ट दिल्ली से, और एन जो है नालंदा यूनिवर्सिटी को जो आप दिखा रहे बिहार से दिखा रहे, बात खत्म, क्लियर है यहां पर? यानी कि आप यहां पर रिलेशन किससे ले रहे? ए टू बी ले रहे हैं। यहां रिलेशन जो लिया जा रहा है वो ए टू बी लिया जा रहा है, रिलेशन इसको बोलेंगे, फ्रॉम ए टू बी इसको ऐसे बोलेंगे। ये लिखना बहुत जरूरी होता है, उससे हमें क्लियर होता है क्यों, इसके पीछे कारण मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा अभी आपको, और एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ठहरिए, समझिए थोड़ा सा मैं क्या आपको बताना चाहता हूं। तो यहां पर जो है, यहां देखिए टी का यू से मिलाएंगे तो अगेन आपको यही मिलेगा, टी यू मिलेगा। आर का डी से मिलाएंगे, देखिए आर डी मिल गया। एन से बी से मिलाएंगे, देखिए एन बी यहां पर मिल गया, राइट। इसके सबसे पहले कुछ सिंबॉलिक टर्म को हम लोग देख लेते हैं कि भैया कौन कौन से ऐसे सिंबॉलिक टर्म है जो आपके सामने आएंगे तो आपको बेचैन नहीं होना है, घबराना नहीं है उससे। तो देखिए मैं कुछ सिंबॉलिक टर्म को आपको यहां पर लिख
लिख के बताता हूं मैं क्या सिंबॉलिक टर्म यहाँ पर है। देखिए जैसे कि अगर मैं रिलेशन R1 ही लेकर चलता हूं यहां पर, राइट, तो यहां पर देखिए अगर मैं TU को लेता हूं, T और U को लेता हूं, तो ये जो T और U है ये किससे बिलोंग कर रहा है, तो इस R1 से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि ये भी तो एक सेट बन गया ना, ये भी एक सेट बन गया और ये भी एक सेट है, तभी तो मैंने सबसेट बोला था कि ये वाला सेट इस पूरे वाले सेट का सबसेट है। तो ऐसे लिखते हैं, ध्यान देना, तरीका समझना है आपको, ये जो T है और ये जो U है ये बिलोंग कर रहा है, ये सिंबल होता है बिलोंग करने का R1 से, इससे बिलोंग कर रहा है, R1 से बिलोंग कर रहा है, राइट। या इसी चीज को जो है आप ऐसे लिख सकते हैं, यहां पर कहीं जहां ऐसा भी लिखा रहता है, इस चीज को मैं यहां नीचे लिख देता हूं यहां पर, ये जो T है और बीच में R1 डाल देंगे और यहां पर U डाल देंगे। समझ में आ रहा मैं क्या कर रहा हूं, मेरी बात ध्यान समझिएगा, T है, ये लाइन यहां खींच दिया जाए ऐसे, हाँ अब ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं, टी है, आर वन और यू, ये सेम चीज भाई, टी और यू, टी यू जो है रिलेशन किसका है, आर वन का एक बिलोंग कर रहा है, मतलब उसी का एक एलिमेंट है। उसी तरीके से सेम अगर मैं आपको इसके आर और डी के बारे में लिखूं, तो वैसे ही आप लिखेंगे कि जो आर और डी है वो बिलोंग कर रहा है आर वन से, या इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं यहां पर, आर, आर वन और डी, ठीक। और सेम आप जो है एन और बी के साथ भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं एक ऐसा एग्जांपल आपको इसमें लेना चाहता हूं जो इसमें इसका सबसेट है, मतलब इसका रिलेशन में आता ही नहीं है, तो जब नहीं आएगा तो हम लोग कैसे लिखेंगे। जैसे इसमें से आप, मैं इसको ले लूं, टी और डी को ले लूं, तो क्या टी और डी आर वन का पार्ट है, नहीं सर, टी और डी आर वन का पार्ट है नहीं, ताजमहल दिल्ली में तो है नहीं, तो आर वन का पार्ट नहीं यहां पर, राइट। तो देखिए यहां पर जो है अगर इसका पार्ट नहीं है तो हम लोग लिखेंगे टी और डी, ये बिलोंग का सिंबल बना के काट देंगे और लिखेंगे आर वन। देखिए ध्यान से मैंने क्या लिखा है, टी और डी बिलोंग का सिंबल बना के काट देंगे। उसी तरीके से अगर आप एनडी का ले लीजिए, यहां पर एनडी ले लीजिए, यहां पर आप एनयू ले लीजिए, है ना, आप कोई भी ले लीजिए जो इसके आर वन का नहीं, काट के यहां पर आर वन लिख देंगे। यहां पर ये बता रहा नॉट बिलोंग टू आर वन, तो ये तो कुछ बेसिक बेसिक चीजें हैं जो मैंने आपको यहां पर समझाया और बताया। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी, मैं आपको एक मिनट में समराइज करता हूं और उसके बाद मेरा आपसे एक सवाल रहेगा, फिर डोमेन रेंज भी आपको बता देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी तो ऑन्टो फंक्शन, इंटो फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, सारी फंक्शन के बारे में हम लोग जानेंगे, समझेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप समझिए पहले यहां ध्यान से। ये है रिलेशन, ये है फंक्शन, रिलेशन में दो सेट लिया हमने और उनके बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला जिसमें सारे के सारे आ गए, लेकिन जो रिलेशन होता है वो पार्टिकुलर किसी एक स्टेटमेंट के हिसाब से चलता है। तो हमने सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरीके से लिखा था कि भाई एक्स बाई है, एक्स जो है वो ए से बिलोंग कर रहा है और बाई जो है बी से बिलोंग कर रहा है, और बाकी जो है जब हमने ये चीजें दिखाया कि जो मॉन्यूमेंट्स है वो स्टेट से ही मिलाते जाइए, तो एक रिलेशन आर वन जो हमारा ये निकला, ठीक है, ये चीजें रिलेशन निकली, इसको रोस्टर फॉर्म में हमने दे दिया। और ये क्या है, एक पार्ट है किसका, तो बड़े वाले का ही पार्ट है। तो ये हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म, ये हो गया रोस्टर फॉर्म, ये डेफिनेशन हो गया रिलेशन का कि रिलेशन ए टू बी जो होता है वो सबसेट ही होता है किसका, तो भाई इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट था उसी का सबसेट होता है। ये हो गया एरो डायग्राम, यहां पर ये सारी चीजें क्लियर हो गई, बिंदास समझ में आ गया। अगर R1 से बिलोंग करेगा तो बिलोंग का साइन लिखेंगे, नहीं करेगा तो नहीं लिखेंगे। बिलोंग का साइन मतलब ई जैसा होता है, सी बना कैसे करते हैं, उसको बिलोंग टू बोलते हैं हम लोग, डेट, और सच डेट बोलते हैं, इस तरह के इसको सच डेट बोलते हैं हम लोग। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि ए क्रॉस बी, मेरी बात ध्यान समझिएगा, ए सॉरी क्रॉस बोल गया मैं, फिजिक्स में पढ़ाते पढ़ाते क्रॉस हो जाता है। ए और बी का, ए इंटू बी का जो आपने निकाला है कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला है यहां पर, अगर मैं इसको बी इंटू ए कर दूं, बी पहले लिखूं ए बाद में लिखूं, तो क्या तब भी सेम कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, ये बदल जाएगा, यह आपको समझना, सोचिए, थिंक अबाउट इट, सोचना तो पड़ेगा कि जब हम लोग ए टू बी बोल रहे हैं, अगर मैं बी टू ए बोलूं तो सेम चीज होगा या बदल जाएगा, बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा, देखिए अगर आप B को पहले लिखेंगे, A को बाद में लिखेंगे, तो ये जितने भी एलिमेंट शुरू शुरू में दिख रहा है आपको, चाहे T हो, R हो, R हो, ये A का है क्योंकि A यहां पहले है। अगर आप B को पहले लिखेंगे तो ये यहां U पहले आ जाएगा, T बाद में आ जाएगा, यहां D पहले आएगा, T बाद में आएगा, ये पूरा अरेंजमेंट ही बदल जाएगा। तो कभी भी आपको ये दिमाग में सेट करके चलना है, जगह है कहीं क्या, चलिए जगह नहीं है तो मैं ऊपर ही मिटा देता हूं यहां पे,
यहाँ मिटा के देखता हूँ, बाकी सारी चीजें मिटा के मुझे कुछ और बताना है यहाँ पर, तो उन सारी चीजों पर आ जाएंगे। समझिएगा मेरी बात ध्यान से। यहाँ पे मैं आपको बस इतना समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि जैसे यहाँ ए इंटू बी निकाले और यहाँ बी इंटू ए निकाले, ये कभी भी आपस में ये इक्वल वाला मामला ही नहीं है जी। हाँ सेम होगा, सेम अगर होगा खुद के साथ होगा, जैसे मान के चलिए ऐसा होता कि ए का ए के साथ ही होता, ए का ए के साथ ही होता यहां पर, और अगेन यहां ए के साथ करते तब तो इक्वल हो जाए, तो अलग चीज हो गया। सॉरी ए का ए के साथ खुद के साथ भी होता है, आप निकालेंगे तो अलग बात, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट यहां पर देखा जाए तो इस तरीके का एक सिस्टम सेटअप तैयार होगा। आप देखिए अगर आप लेते हैं ए टू ए लेते हैं, इसको ए टू ए बोलते हैं, इसको बोलते हैं ए टू बी, है ना, टू बोलते हैं, टू जनरली ऐसे ही बोलते हैं। तो इसको हम लोग जो है इस चीज को जो है इस चीज को हम बोलते हैं रिलेशन ऑन ए। अगर यहां पर लिखा जाए इस तरीके से रिलेशन ऑन ए, कई बार इन भी लिखते हैं, तो इसमें एक का एक ही के साथ करते हैं, बस ये थोड़ा सा वर्डिंग प्रॉब्लम कहीं आपको ना क्रिएट हो जाए इसलिए बताना पड़ता है यहाँ पर। ये सारी चीजें जो है मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया, और आगे का फिर चला जाए, आगे का इसमें बताया जाए कि किस तरीके से भाई ए टू बी और बी टू ए होगा। यही पर मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, ये जो आपको दिखता है ये वाला और ये जो आपको दिखता है इधर वाले को डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं इधर वाले को? डोमेन कहते हैं इधर वाले को। और इधर वाले को क्या बोलते हैं? रेंज कहते हैं। क्या बोलते हैं इधर वाले को? रेंज बोलते हैं। तो अभी मैं आपको फंक्शन का डेफिनेशन भी बताऊंगा। डोमेन होता है ये डोमेन होता है, और ये क्या होता है? रेंज होता है यहाँ पे। तो देखिए अगर पूछेगा कि कोई फंक्शन है या नहीं है, अभी मैंने एक सवाल भी सोल्व करवाया था मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस में, उसमें ग्राफ दिया हुआ था, तो रिलेशन होना अपनी जगह पर है, पर फंक्शन का जो डेफिनेशन कहता है डोमेन में, है ना, डोमेन में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बचना चाहिए, भले ही वो इसके साथ रिपीट हो जाए। दो तीन कंडीशन में भी लिख देता हूं यहां पे, अभी इसको मिटा के कंडीशन लिखता हूं फंक्शन के बारे में। चलिए इन सब को मिटा देता हूं मैं, फंक्शन में समझाता हूं और फिर मैं आ जाऊंगा यहां पर कि भाई कितने कितने तरह का रिलेशन होगा उस पर भी आ जाऊंगा, पर फंक्शन को समझना जरूरी है, क्योंकि इस पर कई बार सवाल पूछा जाता है ये फंक्शन है कि नहीं है, ऐसा पूछता है, बताइए फंक्शन है कि नहीं है, इस तरह से पूछता है यहां पर। इन सबको मैंने यहां पर मिटा दिया, चलिए ठीक है। ओके कैसा लग रहा है आप लोग को? अच्छा लग रहा है? हाँ जी सर बढ़िया लग रहा है, ये भी मिटा देते हैं, बढ़िया लग रहा है सर, मजा आ रहा है। बोलो करे सर बड़ा अटपटा लग रहा है, तो शुरू शुरू में लगेगा अटपटा, बाद में लगेगा चटपटा। चलिए फंक्शन पे आते हैं। अगर हम लोग फंक्शन की बात करते हैं ना, तो फंक्शन में कुछ चीजें समझना पड़ेगा आपको, मैं आपको एग्जांपल देकर समझाऊंगा। डोमेन एक तरह से इनपुट की तरह काम करता है और रेंज जो है वो आउटपुट की तरह काम करता है, आपको समझना पड़ेगा यहां पर। डोमेन जो है वो इनपुट की तरह काम करता है और ये जो है एक आउटपुट की तरह काम करता है, जैसे फंक्शंस में आप लिखते थे यहां पर। तो फंक्शन में अगर आप इस तरीके से आएंगे तो देखिए मैं आपको कुछ ऐसे कंडीशंस लिख रहा हूं फंक्शन का। कंडीशन नंबर वन, कुछ कंडीशंस यहां पर दे रहा हूं मैं। सबसे पहली चीज ये कि जो डोमेन है ना, इन डोमेन कोई भी एलिमेंट अनएसोसिएटेड नहीं होना चाहिए। एक होता आप देखिए सारे एसोसिएटेड है, इससे ये एसोसिएटेड है, इससे ये एसोसिएटेड है, इससे ये एक वर्ड है इंग्लिश ग्रामर का एसोसिएटेड, है ना। तो इन डोमेन नो वन एलिमेंट अनएसोसिएटेड, है ना, लेफ्ट लिख दूं, कोई भी नहीं बचना चाहिए ऐसा जो खाली हो। सबसे पहली बात तो ये, वो फंक्शन फिर होगा ही नहीं। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं यहां पर इस तरीके का था, ये ए है और ये बी है, जैसे यहां पर टी था, यहां आर था और यहां एन था, और एक और इसमें चलिए इतना ही करता हूं मैं, और इसको मैं कर देता हूं यू, यहां डी कर देता हूं या बी कर देता हूं यहां पर, ठीक है। तो लेट मी सपोज मान लेते हैं कि भैया टी के साथ यू का हो गया यहां पर, है ना, आर का डी के साथ हो गया यहां पर, अब मेरी बात समझिए, और एन का बी से हम नाम मिलाएं, लेट मी सपोज यहां नाम मिला, या बी की जगह पर सपोज कीजिए यहां पर जो है आसाम आ जाए, है ना, आसाम में नालंदा यूनिवर्सिटी तो है नहीं, या पंजाब आ जाए, पी फॉर पंजाब, ये तो होगा नहीं यहां पर।
तो इस तरीके से देखिए ध्यान से, कहता है कि डोमेन वाले में कोई भी अनएसोसिएटेड नहीं होना चाहिए, तो यहां पर ये देखिए खाली रह गया ये, तो इसीलिए क्या ये फंक्शन है? नहीं, ये फंक्शन नहीं है। हाँ, रेंज में एसोसिएटेड अनएसोसिएटेड हो सकता है, अगर रेंज वाले में अगर होगा, अगर रेंज वाले की बात करें तो पॉसिबल है। लेट बी सपोज, अगर इसी चीज को मैं ऐसा बना दूं, समझेंगे मेरे बात ध्यान से, इसको मैं मिटा देता हूं, ये जो एन है, इस एन का नालंदा यूनिवर्सिटी को एक काम करते हैं, दिल्ली में ही बना देते हैं, इसको दिल्ली में ही बना देंगे, नालंदा यूनिवर्सिटी को दिल्ली से मिला देते हैं, यहां पर ये बिहार या दिल्ली में चला गया। अब पूछा जाए कि बताइए क्या ये फंक्शन है? जी फंक्शन है, क्योंकि डोमेन वाले में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे जो है एसोसिएटेड है। हाँ, रेंज वाले मैंने क्या कहा, रेंज वाले में अगर अनएसोसिएटेड भी होगा तो भी वो चलेगा, सो ये फंक्शन है। गुड, ये क्या है? एक फंक्शन है। तो यहां पर जो है डोमेन में जो है कोई भी अनएसोसिएटेड नहीं होना चाहिए, बट रेंज में जो है अनएसोसिएटेड चलेगा। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, रेंज में अनएसोसिएटेड चलेगा पर डोमेन में कभी भी अनएसोसिएटेड मत करना। ठीक, तो ये कुछ चीजें हैं जो मैंने यहां पर आपको समझाई है कि क्या क्या भाई फंक्शंस का यहां पर होना चाहिए। ओवरऑल आप बोल सकते हैं कि भैया एक एक इनपुट पे कभी भी दो आउटपुट नहीं होना चाहिए, आप ये भी समझिए ध्यान से। दूसरा कंडीशन में लिखता हूं यहां पर, दूसरा कंडीशन में यहां पर लिखता हूं कि देखिए कभी भी जो है ना, एकदम ध्यान से समझना है आपको, क्या समझना है, ध्यान से समझना है। यहां इनपुट एक होगा, इनपुट एक होगा तो आउटपुट भी एक होना चाहिए। क्या बात कर रहे हैं सर, चलिए मैं ग्राफ आपको देता हूं, समझाता हूं यहां पर, जो कि सवाल में था। ये ग्राफ मैंने बना दिया, बोला कि ये ग्राफ जो है ये है बाई और ये है बाई डैश, ये एक्स और ये एक्स डैश। बोला कि ये वाला फंक्शन है कि नहीं है, है ना, ये मैंने बताया था उसका, ये फंक्शन है कि नहीं, जिन लोगों ने देखा उनको पता होगा। तो देखिए अगर इनपुट को, इस इनपुट को लिया जाए तो इस इनपुट पे दो दो आउटपुट हमें देखने को मिल रहे हैं। कितने आउटपुट देखने को मिल रहे हैं? दो दो आउटपुट देखने को मिल रहे हैं। मतलब अगर यहां पे एक लाइन ड्रॉ किया जाए इस तरह से, तो एक तो यहां भी मिल रहा है देखने को और एक यहां भी मिल रहा है, ये कैसे संभव है? यहां पर ये पॉसिबल नहीं है ना, दो दो आउटपुट आ जाए, तो इसीलिए फंक्शन नहीं है। ये क्या है? फंक्शन नहीं है। तो इस तरीके से फंक्शन का ये भी एक हमारे सामने क्लियर होता है, इस तरह के सवाल पूछे जाते, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि भाई फंक्शन में ये ध्यान देना पड़ेगा। अब इस वाले में देख लीजिए, यहां पे एक तो आपने देख लिया कोई भी अनएसोसिएटेड बचना नहीं चाहिए, दूसरी चीज ये है कि यहां पर जो है दो दो आउटपुट नहीं हो सकता है। ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? मैं आपको एक बार बना के दिखाता हूं, यहां पे देखिए, यहां बना दूं, यहां पे और यहां बना देता हूं मैं, ध्यान समझिएगा, ये ए है और ये बी है, ठीक है, ए ले लिया और बी ले लिया, यहां पर एक इनपुट एक आउटपुट है ना। अच्छा, एक आउटपुट के लिए दो इनपुट हो सकता है, एक आउटपुट के लिए दो इनपुट हो सकता है, बट एक इनपुट के लिए दो आउटपुट नहीं हो सकता। जैसे यहां पर अगर मैं लिखूं टी, वही वाला आर और ये एन, यहां पर लिखूं यू डी और यहां चलिए मैं पी लिख देता हूं, लेट मी सपोज, जैसा है वही, जो कुछ भी आप ले लो, मैं समझाने के लिए मैं आपको केवल दे रहा हूं, कोई रटा रटाया तो है नहीं कि मैंने कोई नोट्स वोट्स बनाए कुछ ऐसे, तो जनरल समझना है तक केवल यहां पर। तो यहां पर जो है आप ध्यान से समझिए मैं आपको क्या बता रहा हूं, अगर मैं इसको टी को, देखिए ध्यान समझिएगा, इस टी को यू से मिला दूं और इस टी को डी से मिला दूं, इस टी को यू से मिला दूं और इस टी को डी से मिला दूं, उसके बाद जो है आप समझिए मेरी बात ध्यान से, इसको मैं इससे मिला दूं, ठीक, और इसको मैं इससे मिला दूं, तो मेरा बस इतना सवाल है कि अब ये फंक्शन है कि नहीं है, ए टू बी में जा रहा, क्या ये फंक्शन है? सोचिएगा ध्यान से यहां पर। तो यहां पर देखिए, एक तो क्राइटेरिया ठीक है जी कि भाई इसमें कोई अनएसोसिएटेड नहीं होना चाहिए, तो नहीं है अनएसोसिएटेड, कहां है अनएसोसिएटेड, है ही नहीं यहां पर। और दूसरी चीज ये कि यहां पर वो क्राइटेरिया फुल करने के बाद दूसरी चीज में आते हैं
ये डोमेन और रेंज में बात करते हैं। तो क्या बोला कि भाई डोमेन में इनपुट जो है एक इनपुट के लिए कभी भी दो आउटपुट नहीं होना चाहिए, तो ये वायलेट कर देता है, यहाँ पर वायलेंस क्रिएट हो जाता है। ये टी के लिए यू और डी कैसे आ गया, दो दो आउटपुट कैसे आ गया। सो ये फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। लेकिन अगर मैं अगले ही पल में एक और एग्जाम्पल आपके सामने लू, लेट मी ट्राई अगेन एग्जाम्पल कुछ इस तरीके का। ये ए है और ये बी है, ये टी हो गया, ये आर हो गया, ये एन हो गया, ये यू हो गया, ये डी हो गया और ये पी हो गया। मैंने फिर से दे दिया यहां पर आपको। तो यहां पर ना आप देखिए ध्यान से, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, वही समझाना चाह रहा हूं। यहां पर देखिए, अगर आप यू देखिए यहां पर सब कुछ एवरीथिंग जो ओके, सब बढ़िया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी यहां पर। लेकिन मैंने बोला था कि ऐसा है कि इसको मैंने इससे मिला दिया, ठीक, ध्यान समझना है, पर इससे मैंने इससे मिला दिया और यहां दिल्ली में ये मिल गया और इससे भी ये मिल गया। यहां पर क्या ये फंक्शन है, क्या ये फंक्शन है, कंफ्यूज नहीं होना, सवाल आते हैं ऐसे, क्या ये फंक्शन है, है फंक्शन। देखिए इसमें कोई भी पहले खाली बच रहा है, सबसे पहले देखना है नहीं बच रहा है, अच्छी बात है, वेरी गुड, नहीं बच रहा है। दूसरी बात यहां पर ये कि भाई एक इनपुट के लिए दो दो आउटपुट नहीं होना चाहिए, पर एक आउटपुट के लिए दो इनपुट तो हो सकता है ना। तो U के लिए U एक आउटपुट है तो उसका इनपुट T है, D एक आउटपुट है तो उसका दो इनपुट है, R और A देखिए आउटपुट एक है, D आउटपुट एक है पर इसका इनपुट कितना है, दो है, दो इनपुट है, चलेगा। रेंज में अगर कोई बच जाता है तब भी चलेगा, रेंज में कोई बच जाता है तब भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तब भी ये फंक्शन होगा। यस, ये फंक्शन होगा। तो बताने को तो बहुत कुछ है अभी मेरे पास, लगभग 36 मिनट का ये वीडियो भी हो गया है, ठीक है। अभी इसमें ऑनटो इंटो बहुत सारी चीजें बताना है मुझे, तो मैं कोशिश करूंगा कि इसके अगले पार्ट पे काम किया जाए, बाकी लाइव क्लास में तो इसको कंटिन्यू ही रखा जाएगा, ठीक है। तो जो बच्चे भी चाहते हैं किसी तरीके से मैथ पढ़ना है, उनको समझना है, उनको और बढ़िया से स्कोर करना है, तो देरी मत कीजिए, कोई ज्यादा फी नहीं है। 999 में कंप्लीट सिलेबस है, और उसमें कंप्लीट सिलेबस मतलब कंप्लीट सिलेबस होता है फिर, है ना, उसमें सारी चीजें वीवीआई क्वेश्चन से लेकर सारी चीजें सॉल्यूशन एवरीथिंग सब कुछ इसमें मिलता है आपको, और कोई शॉर्टकट नहीं है हमारे यहाँ, एवरीथिंग सारा डिटेल में चलता है। तो सारी चीजें आपको, ये तो खाली नमूना है यहाँ पर। तो व्हाट्सएप नंबर जो है मेरा 9643480201 पे मुझे व्हाट्सएप पे मतलब कांटेक्ट करेंगे, और मैं वहां बच्चे फिर पूछने लग जाते हैं ये वो दिस डेट, कि मैं सारा चीज क्लियर ही कर देता हूँ। आपको क्या करना है यहाँ पर, एक मैं क्यूआर कोड दूंगा, उस क्यूआर कोड पे आपको ये 999 क्या करना, पे करना है, उसके बाद स्क्रीनशॉट को शेयर करना, फिर मैं आपको इसे ग्रुप में ऐड कर दूंगा। जनरली जितने भी लाइव क्लास की टाइमिंग होती है शाम में होती है 7 बजे के बाद, ठीक है। तो आपके मन में कोई संदेह सवाल जो भी, मैं अभी ही क्लियर कर देता हूँ आपको, आप पेमेंट कीजिए, ग्रुप में ऐड होइए, बाकी सारी चीजें वहां पर आपको बताई जाएगी, कैसे क्या पढ़ना है, होमवर्क कैसे देना, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, एक एक चीज क्लियर कर दूंगा मैं। तो YouTube पर देखिए हमारी कुछ लिमिटेशंस होती है, आप कमेंट में कैसे बच्चे बोलेंगे सर इसका सारे पार्ट डाल दो, नहीं कर सकता मैं, आप समझिए। यहाँ पर एक जो बॉर्डर लाइन होता है ना, यहाँ फ्री का और ये इसका, ये दोनों का बीच में मेंटेन करके चलना पड़ता है। दूसरा टाइम का भी इशू होता है, अब टाइम निकाल के इसको बनाना पड़ता है, जबकि लाइव वाले में ऑटोमेटिक चलता जाता है, उसमें रिकॉर्डर वगैरह भी होता है। और आगे की मैं बताऊं तो कोई फी ज्यादा है नहीं, बहुत ही अफोर्डेबल है, ₹1000 में पूरा, मैं तो ₹1500 अपने कोचिंग में लेता हूँ एक सब्जेक्ट का, पूरा सिलेबस कंप्लीट कराने में 3 महीना भी अगर वो पढ़ेगा मुझसे तो 4500 मतलब ₹5000 देगा, या तो ₹1000 में जिंदाबाद पूरा कंप्लीट मिल रहा है। तो गरीब से गरीब भी पढ़ सके, कल एक मैसेज में किया, मैं गरीब किसान का लड़का हूँ और तो पिताजी खेती करते हैं और ऐसे कुछ बता रहा था, मैं भी कहीं काम करता हूँ, तो मैंने जब उसको बताया कि भाई हमारा फी ज्यादा नहीं है बस इतना ही, मैं खुश हो गया, बोला सर मैं पे करूंगा, मैं दूंगा, ठीक है। तो ये जो चीजें होती है, जो कुछ बच्चे बोलते हैं सर और डिस्काउंट कर दो, ये कर दो, कोई बोल रहा सर एक महीना ही तो है, तो एक महीना में क्या ₹1000 आपको दे देंगे, मैंने कहा बात यहाँ ₹1000 की नहीं, वो भी सस्ता ही एक तरह से है, बात पूरे सिलेबस का है। तो अलग अलग मेंटालिटी, अलग चीजें होती है। तो देखिए सीधी सी बात यह है कि मुझे तो कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इतने सारे चैट वगैरह आते हैं तो फिर उनके जवाब देने मेरा टाइम खराब होता है,
इसलिए मैं आपको सारी चीजें यहीं पर क्लियर कर दे रहा हूँ कि सारी फैसिलिटी मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ और बिल्कुल एक गुरु दक्षिणा के तौर पे ले आ रहा हूँ। तो ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करना है, हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ है। आप लाइव क्लास ज्वाइन करें या ना करें, यूट्यूब पर भी मैंने इतना दे रखा है कि आप नॉर्मल जो है थोड़ा मेहनत कर देंगे और इसका देख देंगे तब भी घीस तिर के जो है पासिंग मार्क्स तो ले ही आएंगे। गारंटी नहीं है कि आप पास कर जाएंगे, फेल भी हो सकते हैं, बट सेल्फ अगर आप करना चाहते हैं तो अगर यहां आ जाएंगे तो फिर तो मैं वादा करता हूं 80% आने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। ये अप्रैल 2022 का ही आप रिजल्ट देख लो, 70 में से 65 से ऊपर बच्चे पास थे और हाईएस्ट 96% किया था। तो ये तो खैर चीजें हैं। तो हमारी शुभकामनाएं अगेन आपके साथ हैं। ऐसी पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए और मैथ में फॉर्मूला जरूर याद कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, रटने की कोशिश कभी मत कीजिए। और ट्रिक्स स्टोरी जो मैं यूज करता हूँ अपने लाइव बैच में, वो अगर आप खुद से बना सकते हैं तो जरूर बनाएं, क्योंकि सिलेबस है 12 महीने का और आप सोचते हैं 1.5-2 महीने में कर लें, तभी पॉसिबल है जब उसको ईजी बनाया जाए। तो इसी के साथ मैं वीडियो को बाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं कुछ नए चटपटेदार कुछ बातों के साथ, नए कंटेंट के साथ में। तब तक ऐसे ही हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते रहें।